स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल दिव्यांग चैनल पर। दोस्तों अगर आपने वोवा से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है वो आपको रिसीव नहीं हुआ है तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, खुशी की बात इसमें क्या है? जी हाँ दोस्तों, खुशी की बात है क्योंकि वोवा जो है अब आपको पैसे रिफंड कर रही है, यहाँ तक के फ्रीबीज़ के पैसे। अगर आपने फ्री में भी परचेस किया है प्रोडक्ट तो उसके भी पैसे आपके सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वोवा एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वोवा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 20 फ्रीबीज आपको फ्री में मिलेंगे, यानी 145 रुपये तो आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे ही। 20 फ्रीबीज का कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया है वो डिलीवर नहीं हुआ है तो आप जो है 145 रुपये ले पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वोवा की तरफ से। लेकिन किस तरह से ले पाएंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ले पाएंगे, क्या प्रोडक्ट अगर आपको डिलीवर हो चुका है तो भी आप ले पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ले सकते हैं आप ऐसे तरीक़ों से भी, लेकिन वो एक गलत तरीका है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए हैं तो ही आप लीजिए, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट डिलीवर हो गए और आप क्लेम करते हैं तो हो सकता है आपका फ्री भी रिफ़ंड हो जाए या फिर हो सकता है ना भी रिफ़ंड हो, क्योंकि बहुत से केसेस में रिफ़ंड नहीं होती है लेकिन आपका जो है वहाँ पे जो है अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है वोवा की तरफ से। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको रिसीव नहीं हुआ उसी पे आप क्लेम करें और आपके अकाउंट में एक दिन के अंदर जो है पैसा चला जाए। किस तरह से पैसा आपको रिसीव करना है, किस तरह से आपका आपको अकाउंट नंबर देना है, ये सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपके पास एक पेपल का अकाउंट होना ज़रूरी है, ना ही पेपल का अकाउंट, चूँकि पेपल अकाउंट बनाना इतना आसान होता है लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भी पेपल को इनेबल करना होगा, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा तब जाके जो है इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करेगी पेपल, तब जाके वोवा से आपका जो है पैसा रिफंड आएगा। ऐसे में अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका पैसा थोड़ी देर के लिए तो विड्रॉल हो जाएगा लेकिन फिर से वापस वोवा में चला जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला पेपल अकाउंट तो आप हमारे पेपल अकाउंट पे भी पैसा ट्रांसफ़र करके हमें ईमेल कर सकते हैं कि आपने कितना पैसा विड्रॉल किया है। हम आपको या तो UPI या पेटीएम के माध्यम से भेज देंगे आपके बैंक अकाउंट पे, अगर भरोसा है तो, नहीं तो आप पेपल अकाउंट क्रिएट करिए और फिर आप जो है तैयार हो जाइए। किस तरह से करते हैं विड्रॉल पैसे को, आइए हम देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, चूँकि बात पैसे वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और अपने वोवा के एप्लीकेशन में लॉगिन करके आपको दिखाते हैं अपने अकाउंट की स्थिति। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि 20 फ्रीबीज के यहाँ कितने पैसे देती है वोवा और हमारे अकाउंट में फ्रीबीज कितना है जो कि रिफ़ंड हुआ है मेरा प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे में हम फ्रीबीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में जो है अभी 20 फ्रीबीज है जो कि 145 रुपये के बराबर है। इसे हम आसानी से विड्रॉल, बगल में आप देख सकते हैं विड्रॉल के आइकन, उस पर विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अकाउंट की स्थिति देखते हैं कि क्या ऑर्डर हमने किया, क्या रिफ़ंड हुआ। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं तो कुछ प्रोडक्ट जो है रिफंडेड हैं। यहाँ पे लगातार रिफ़ंड हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स मुझे रियली रिसीव नहीं हुई है, उसके बाद जो है मुझे रिफ़ंड आ गई और उस तरह से मैंने जो है अपना अमाउंट विड्रॉल कर लिया अपने पेपल अकाउंट में। तो चलिए फाइनली आपको दिखाते हैं कि किस तरह, सबसे पहले जो प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती है आपको वहाँ पे जाकर नोट रिसीव अगर आप करते हैं और प्रोडक्ट नोट रिसीव आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो आपका जो है फ्रीबीज एक दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाती है, जैसा कि मेरा अभी आ चुका है। तो 20 फ्रीबीज वापस मेरे अकाउंट में आए हैं, चलिए इसको विड्रॉल करते हैं। विड्रॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 फ्रीबीज का 145 रुपया, 48 फ्रीबीज का 363 रुपया और 5 फ्रीबीज का 36 रुपया जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड यूजर्स ही ले पाएंगे, जैसे 2400 अभी बाकी है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है 145 रुपया पे कन्फर्म कीजिए, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कैश विड्रॉल होकर यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट हमारा हो चुका है 181 रुपये बढ़ के। उसके बाद हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेपल अकाउंट देना है अपना जो कि इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रही होती है। अगर इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो यहाँ पे आप हमारा ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही पैसा आ जाता है आप हमें ईमेल करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपल पे सारे पैसे अगर हम 181 विड्रॉल करते हैं तो 167 रुपये के आसपास हमें मिलती है। 363 विड्रॉल करिएगा तो
तो 336 रुपया देगी आपको पेपल। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा दूँ जो कि मैंने विड्रॉल किए हैं, चूँकि अभी मैं विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मैंने 181 विड्रॉल कर लिया, अब हम 363 ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो चूँकि 181 रुपया जैसे ही 363 रुपया हो जाती है, हम आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे। नीचे स्वाइप करके हम आपको दिखा देते हैं स्क्रॉल करके कि देखिए किस तरह से हमने जो है दो अमाउंट विड्रॉल किए हैं इस आईडी से, और दूसरे मोबाइल फ़ोन से हमने भी बहुत सारे अमाउंट विड्रॉल किए हैं। आप बहुत सारे अकाउंट का एक ही पेपल अकाउंट पे विड्रॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे 181 रुपये और 363 रुपये हमने विड्रॉल कर लिए हैं वोबा से, और बहुत से प्रोडक्ट्स बहुत से दूसरे अकाउंट से भी हमने बहुत सारे पैसे रिसीव किए हैं उसी एक ही पेपल के अकाउंट पे, वो भी प्रूफ हम आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स का पैसा रिटर्न लेना है और किस तरह से जो है आप उन्हें कंप्लेन करेंगे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, उन्हें आप बताएंगे कि प्रोडक्ट नॉट रिसीव, और वहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि आइटम नॉट रिसीव, तब जो है आपका जो है प्रोडक्ट के पैसे जो है फ्रीबीज जो हो या फिर पैसे वो सारे अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद अब हम आपको दिखा देते हैं वोबा से जो मैंने पेमेंट रिसीव की है अपने दूसरे मोबाइल में, चूँकि इसमें मेरा पेपल अकाउंट लॉग इन नहीं है। तो चलिए हम आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन में बता देते हैं किस तरह से हमने अपने पेपल अकाउंट में रिसीव किया है वोबा से पैसे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने उस मोबाइल फ़ोन में जिसमें हमने अपना पेपल अकाउंट लॉगिन किया है। तो सिंपली हम चलते हैं पेपल एप्लीकेशन में और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने पेमेंट रिसीव किया है वोबा की तरफ से। तो चलिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं पेपल को, और यहाँ पे हमारा पेपल है जो कि थोड़ा ऊपर है, ऊपर हाँ, ये हमारा पेपल एप्लीकेशन है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में जो है अभी भी 336.24 रुपये है जो कि मुझे वोबा से रिसीव हुए। अगर इसकी डिटेल्स यहाँ पे देखें तो ये 336 रुपये हमें $5 जब वोबा ने भेजा, तब जाके जो है मुझे ये 336 रुपये रिसीव हुए हैं $5 के। और यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट आप देख सकते हैं जो कि मैंने वोबा से रिसीव किए हैं $10, ये जो है रिसीव हुई है पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोबा कैश विड्रॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जेसी होल्डिंग HK लिमिटेड जो है वो वोबा की तरफ से पैसे देती है, यानी कि वोबा की कंपनी है। और इस तरह से हमने ये सारे पैसे रिसीव किए हैं अपने बैंक अकाउंट में, जो कि एक दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं जो कि मैंने पेपल से लिंक किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने अपने अकाउंट को पेपल से लिंक नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं अपने पैसे रिफ़ंड लेना, कम पैसा है तो आप हमारे अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ईमेल करना होगा प्रूफ के साथ कि आपने विड्रॉल किया है कैश। और ईमेल आईडी मैं पहले ही दे चुका हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों ये थी सारी प्रोसेस कि किस तरह से आप वोबा से रिसीव कर सकते हैं पैसे फ्री में भी, फ्रीवीज के भी। तो फाइनली आपका वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी सवाल मन में है तो कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू।